एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, यानी कि एक बिंदु, इस पर बहुत सारा लाइन हम गुजारेंगे, बहुत सारा लाइन। तो देखिए बहुत सारा लाइन गुजारेंगे तो बहुत सारा एंगल भी बनेगा, एक यानी कि कोण, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस टाइप का बहुत सारा एंगल बनेगा। तो आपको याद क्या रखनी है, एक बिंदु पर कितना भी एंगल बनेगा सबका जो सम होगा यानी कि योगफल होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये याद रखना है। एक बिंदु पर सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए ये क्या है, ये सर्कल है, तो सर्कल पर भी ये पॉइंट है, ये बिंदु है, ये केंद्र है, इस पर कितना डिग्री बन रहा है, एक दो तीन चार, ये सब एंगल बन रहा है, तो सबको जोड़ के क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये एक एंगल हो गया, फिर ये दो हो गया, फिर ये तीन हो गया, ठीक है, फिर ये चार हो गया, यानी कि सबको जोड़ के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये एक छुपा हुआ है, कुछ नहीं रहता है ना शुरू में, तो एक छुपा रहता है, तो यहाँ पे चिन्ह में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो एक दो तीन, तो तीन हो गया, तीन हो गया, अच्छा जोड़ 60 डिग्री, ठीक है, तीन डिग्री जोड़ 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री, क्लियर। अब नौ बराबर तीन डिग्री बराबर 360 डिग्री प्लस इधर गया तो क्या हो गया 60 डिग्री, तो तीन डिग्री 360 में से 60 गया तो कितना हो गया 300 डिग्री, 300 डिग्री दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा ही 100, तो ये वाला डिग्री से ये वाला डिग्री भी चला गया तो क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे भी याद रख सकते हो कि सर्कल है ना, तो गोल चीज होगा ना, गोल चीज वो 360 डिग्री का होगा, क्लियर।